नमस्कार दोस्तों, हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज आपके सामने एक पाम रीड करने वाले हैं, और ये जो पाम रीड है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि इनकी समस्याएं काफ़ी ज़्यादा हैं और इन समस्याओं को लेकर काफ़ी चिंतित रहते हैं। आगे कैसा लाइफ में जो है प्रेडिक्शन का रहने वाला है, पूरे पाम को हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में घंटे का निशान दबा दें, ताकि आने वाली पामिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोज़ आपको मिल सकें और उसका फ़ायदा ले पाएँ। तो अगर आप अपना पाम पढ़वाना चाहते हैं तो हमारे हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया होता है, आप उसको फॉलो करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी समस्याओं को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पाम को पढ़ना, और आप अपने से रिलेट करेंगे, और अगर सीखना चाहते हैं तो पूरी वीडियो जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फिंगर से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद माउंट को चेक करेंगे, और सबसे आखिर में है हम लाइनों को चेक करेंगे। इस तरह मैं साथ में ड्रॉ करता जाऊंगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, और इस तरह हम पूरे पाम का एनालिसिस जो है कम्प्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अपनी स्क्रीन पर जो हाथ देख पा रहे हैं, काफ़ी क्लियर पिक है, और क्लियर पिक तो है, साथ में जो हाथ है वो काफ़ी ज़्यादा स्क्वेरिश यहाँ पर बन रहा है। मतलब इसको 100% आप स्क्वेरिश ही माने, तो मेहनत काफ़ी अच्छी है हाथ में, और मेहनती इंसान ऐसा जातक होता है। मेहनती होने के साथ अपने प्रोफेशन को लेकर, अपने कैरियर को लेकर काफ़ी चिंतित ऐसा जातक रहता है, और उसको बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी करता है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जैसे मैं आपको यहाँ पर लाइन में बताऊँगा कि क्या इनको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। देखिए उसके साथ अगर बात करें जो फिंगर्स की लेंथ है, आपको काफ़ी अच्छी यहाँ पर दिखेगी फिंगर्स की लेंथ। आप देखें फिंगर की जो लेंथ है, अप्रॉक्स मान के चलेंगे फिंगर छोटी नहीं है, और साथ में जो लेंथ है इसकी, इसको मैं एवरेज लेंथ मानूंगा। छोटी नहीं है तो जो डिसीजन है ऐसा जातक सोच समझ के लेता है। अगर फिंगर छोटी हो जाती हैं तो जो जल्दबाजी में फैसले ले लेता है, लेकिन यहाँ पर फिंगर ज़्यादा छोटी मुझे नज़र नहीं आ रही हैं। फिंगर्स के ऊपर आपको काफ़ी खड़ी लाइनें आपको नज़र आएंगी, और ये खड़ी लाइनें जो बताता है कि फ्रेंड सर्कल काफ़ी अच्छा है इनका, काफ़ी लोगों से जान पहचान है, और वो सपोर्ट भी करते हैं। मतलब जो फ्रेंड सर्कल है काफ़ी अच्छा है, और जो चीज़ें हैं इनके लिए फ्रेंड के तौर पर और रिलेशनशिप को लेकर यहाँ पर ठीक हैं बाहरी दुनिया से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं थंब की। थंब जो है सीधा स्ट्रेट है, इसमें कोई टिल्टेशन ज़्यादा नहीं है। जो फर्स्ट पोर है आपको छोटा नज़र आ रहा होगा, और सेकंड पोर है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो मैंने काफ़ी वीडियोज़ में बताया है कि अगर सेकंड पोर बड़ा हो और फर्स्ट पोर छोटा हो जाए तो लाइफ में शुरू के जो स्टार्टिंग्स के 35 ईयर्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल भरे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करवाता है। और इससे जो पता लगता है कि ऐसे जातक के मन में काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े सपने होते हैं, उनको पूरा करने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रयास ऐसा जातक करता है। चलिए अब हम माउंट्स को देखते हैं, माउंट्स इनके बारे में क्या बताते हैं और आगे प्रेडिक्शन हम करते हैं। देखिए माउंट्स जो है इनका, जो सबसे अच्छा माउंट मुझे नज़र आ रहा है वो यहाँ पर बृहस्पति का माउंट। आपको काफ़ी अच्छा स्पेस देखने को मिलेगी बृहस्पति के में, और इनका एक क्रॉस का साइन भी आपको यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है। और बृहस्पति का साइन जो है, मैंने आपको काफ़ी हाथ में बताया है कि अगर हाथ में बृहस्पति के ऊपर क्रॉस का साइन है, तो क्योंकि ये क्रॉस का साइन सबके हाथ में नहीं होता, कम ही हाथों में मिलता है। अगर क्रॉस का साइन है तो इसको मान के चलें कि लाइफ में कोई ऐसा मोड़ आएगा, इनका ऐसा टाइम आएगा जिसमें काफ़ी प्रोग्रेस करेगा जातक, और वैवाहिक जीवन ऐसे जातक का काफ़ी अच्छा होता है। और वैवाहिक जीवन तो अच्छा होता ही है, मतलब उसके साथ सपोर्ट भी काफ़ी अच्छी जुड़ी होती है। तो यहाँ पर ये क्रॉस का साइन काफ़ी पॉजिटिव इनके हाथ में बन रहा है, और साथ में स्पेस है बृहस्पति माउंट की काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, और मतलब स्पेस काफ़ी अच्छी ले रहा है बृहस्पति माउंट। और इसके ऊपर आपको लाइनें इतनी नहीं देखेंगे क्रॉस के अलावा, लेकिन काफ़ी अच्छी स्पेस ले रहा है। लेकिन देखिए जो ये क्रॉस का साइन है, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाऊंगा, आपको क्यों ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पर स्वास्तिक का साइन बनता हुआ नज़र आ रहा होगा। देखिए ऐसी कुछ स्ट्रक्चर्स बनती हुई मुझे दिख रही है,
और इसको कंप्लीट स्वास्तिक नहीं कहूँगा, अप्रॉक्स यहाँ पर स्वास्तिक कहूँगा, तो ये स्वास्तिक जो है इनको लाइफ को चेंज करने वाला है। और इस स्वास्तिक का जो मेन असर होगा वो इनका भाग्य रेखा जैसे मैंने देखी वो 45 के बाद ही कुछ अच्छी होनी स्टार्ट हो रही है। 45 मतलब जब ये 42 43 पार कर जाएंगे उसके बाद ये स्वास्तिक का जो साइन है काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इनके हाथ में बन रहा है और इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा इनको होने वाला है। चलिए देखते हैं आगे जो साथ में हम फिंगर्स की लेंथ भी देख लेते हैं। जैसे देखिए आप अपने फिंगर्स की लेंथ देख पा रहे हैं, फिंगर्स की जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और कह सकते हैं कि सूर्य की फिंगर और बृहस्पति की फिंगर दोनों यहाँ पर अप्रॉक्स यहाँ पर इक्वल हो रही हैं। तो मैंने आपको काफ़ी वीडियोस में बताया है कि अगर जातक की मिक्स क्वालिटीज़ होती हैं, मतलब जातक में सूर्य की क्वालिटीज़ भी होती हैं और बृहस्पति की क्वालिटीज़ भी होती हैं, तो ऐसा जातक कह सकते हैं कि लाइफ में स्ट्रगल करता है लेकिन उसका जब भाग्य उदय होता है 42 के बाद यहाँ पर होता है, मतलब 42 का जब जातक हो जाएगा तो उसके जीवन के जो जितनी भी चीज़ें हैं समस्याएं हैं धीरे धीरे हल होनी स्टार्ट हो जाती हैं और उसका भाग्य उदय होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस जातक का भी ऐसी दिख रहा है मुझे, इनके भाग्य रेखा भी ऐसी नजर आ रही है, इनके हाथ की जो स्ट्रक्चर है और फिंगर्स की लेंथ ही मुझे ऐसी यहाँ पर बता रही है। 42 के बाद इनका भाग्य उदय होगा और उसके अलावा हाथ में जो है प्रोफेशन जो दिख रहा है मुझे बिजनेस के साइन यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और अगर ये खुद का प्रोफेशन करें तो उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि इस फिंगर्स के ऊपर खड़ी लाइनें काफ़ी ज़्यादा हैं। पार्टनरशिप का बिजनेस कर सकते हैं, ऐसा बिजनेस कर सकते हैं जिसमें पार्टनर की ज़रूरत हो उसमें भी यहाँ पर काम कर सकते हैं और साथ में कुछ लाइनें आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ पर जो बुध की लाइन बुध की जो फिंगर है वो फर्स्ट वेलेंस से थोड़ी छोटी होती हुई नज़र आ रही है। थोड़ा सा यहाँ पर जैसे इन्होंने बताया कि बोलने की कॉन्फिडेंस से जातक में कम रहता है, बोलने की प्रवृत्ति ऐसे जातक में कम रहती है, मतलब अपनी बात को स्पष्टता से किसी को नहीं बता पाता। अगर बुध की फिंगर यहाँ पर फर्स्ट बैलेंस को पार कर जाती तो वो गुण आ जाते, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट बैलेंस को पार नहीं कर पा रही है तो बौद्धिक क्षमता थोड़ी जातक में कम रहती है। लेकिन फिंगर ज़्यादा छोटी नहीं है, भले ही फर्स्ट बैलेंस तक नहीं पहुँच पा रही है लेकिन ज़्यादा छोटी फिंगर इसको नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ी बहुत यहाँ पर कमी है। माउंट भी लो सेट नहीं है तो बिजनेस क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। चलिए अब माउंट्स की बात कर लेते हैं। मैंने आपको बृहस्पति माउंट दिखा दिया, उसके बाद अब चलिए शनि माउंट के ऊपर चलते हैं। शनि माउंट आपको फ्लैट दिख रहा होगा और फ्लैट के साथ इसके ऊपर जो लाइनें हैं इनके जो भाग्य रेखा है वो पहुँच रही है शनि पर्वत तक और इसका पहुँचना काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव माना जाता है। मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियो में बताया है, ये इसके इंडिकेशंस भी होते हैं कि ऐसे जातक का जो भाग्य उदय होता है वो 40 के बाद ही होता है, मतलब जब 40 क्रॉस करता है ऐसे जातक 40 के बाद ही ऐसे भाग्य उदय होता है और जो चीज़ें उसकी अच्छी नहीं हुई हैं पहले वो 40 के बाद होने स्टार्ट हो जाती हैं, या फिर पारिवारिक हो या फिर प्रोफेशन हो या फिर कोई भी काम करें 40 के बाद अच्छे होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो कह सकते हैं इनका जो बुढ़ापा है 40 साल के बाद सब कुछ चीज़ें अच्छी होना स्टार्ट हो जाएंगी क्योंकि जो भाग्य रेखा है इनके शनि पर्वत तक जा रही है और शनि जो है जो कह सकते हैं कि एक तरह का भाग्य का प्रतीक है, भाग्य को यहाँ पर चमकाता है। लेकिन अगर शनि अच्छा नहीं है, थोड़ा सा दूषित है, कह सकते हैं थोड़ा दबा हुआ है तो थोड़ा स्ट्रगल भी करवाता है, जैसे यहाँ पर नज़र आ रहा है इनके हाथ में थोड़ा सा दबा हुआ नज़र आएगा, लेकिन जो भाग्य रेखा है वो वहाँ तक पहुँच रही है तो ये यहाँ पर पॉजिटिव साइन इनके हाथ में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इनका जो सूर्य माउंट है आपको यहाँ पर थोड़ा सा दबा हुआ नज़र आएगा, इसके ऊपर एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी एक विद्या रेखा आपको नज़र आएगी, मतलब ऐसे जातक के पास जो है भले ही उसके पास कॉन्फिडेंस की कमी हो, बोलने की समझ कम हो, लेकिन ऐसे जातक जो है नॉलेज काफ़ी अच्छी रखता है और उस नॉलेज से काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी होता है। नॉलेज ऐसे जातक के पास काफ़ी अच्छी रहती है तो उस नॉलेज से ऐसा पैसा भी अर्न करता है, लेकिन आपको जो माउंट है थोड़ा सा दबा हुआ नज़र आएगा और इसके ऊपर जो सूर्य रेखाएँ हैं काफ़ी ज़्यादा हैं, एक सूर्य रेखा नहीं है, देखिए काफ़ी ज़्यादा आपको सूर्य रेखा नज़र आएंगी छोटी छोटी और यही कारण है नहीं आगे बढ़ने का। देखिए अगर सूर्य रेखा एक है तो उसको अच्छा मानूंगा मैं, अगर दो है उसको भी अच्छा मानूंगा, अगर दो से ज़्यादा सूर्य रेखाएं हैं तो ऐसा जो है जातक कंफ्यूज रहता है अपने प्रोफेशन को चुनने के लिए, मतलब उसके हमेशा ये लगा रहता है कि मैं ये भी काम कर लूँ
ये भी काम कर लूँ, ये भी काम कर लूँ, मतलब उसमें क्वालिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती हैं और ऐसा जाता है तो थोड़ा सा कन्फ्यूज रहता है। लेकिन सूर्य रेखा हाथ में है तो ये जो सूर्य रेखाएँ हैं ये 45 के बाद ही असर चालू करेंगी, क्योंकि जो सूर्य रेखा है लेकिन छोटी हैं और छोटी होने के कारण 45 के बाद ही ये शुरू हो रही हैं। जो कुछ ज़्यादा मैं सूर्य रेखा बड़ी नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा कन्फ्यूज रहेगा इन सूर्य रेखा कारण काफ़ी ज़्यादा हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है जो आपको दिख रहा होगा जो बुध का माउंट है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनका बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस लिए हुए है। इसके ऊपर आपको खड़ी लाइनें भी दिखेंगी जो बिजनेस माइंड को बताती हैं, बिजनेस नेचर को यहाँ पर शो करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम शुक्र माउंट को चेक करते हैं, शुक्र माउंट इनका कैसा है। देखिए शुक्र माउंट आपको नज़र आ रहा होगा, शुक्र माउंट थोड़ा सा दबा हुआ है, ज़्यादा उभार इसमें नहीं है, पर इसके ऊपर खड़ी लाइनें काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन आपको आड़ी लाइनें भी दिखेंगी। तो चिंताएं अपने प्रोफेशन को लेकर, अपने काम को लेकर जो हैं, और थोड़ा शुक्र माउंट अगर कमज़ोर है, कमज़ोर हो या फिर कह सकते हैं कि थोड़ा सा दबा हुआ हो, तो चीज़ों को हासिल करने में थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन जैसे इनके हाथ में इंडिकेशंस नज़र आ रहे हैं, 42 के बाद चीज़ें अच्छी होने वाली हैं। और उसके हिसाब से अगर चंद्र पर्वत देखें, चंद्र पर्वत को मैं थोड़ा सा जूम इन करूँगा, चंद्र पर्वत देखें तो चंद्र पर्वत ठीक है। थोड़ी सी एक एलर्जी की लाइन, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ जो हो सकते हैं, देखिए खड़ी लाइनें भी हैं, मतलब यात्राएं की लाइनें भी आपको यहाँ पर दिखेंगी जो ट्रैवल्स को बताती हैं, लेकिन एक आपको हल्की सी आपको लाइन यहाँ पर दिखेगी, इसको मैं एलर्जी की लाइन कहता हूँ, इन्फेक्शन की लाइन कहता हूँ। शारीरिक कोई ऐसा तकलीफ हो सकती है, एलर्जी इन्फेक्शन की प्रॉब्लम इनको हो सकती है, लेकिन चंद्रमा दबा हुआ नहीं है और चीज़ें इनके लिए अच्छी होने वाली आने वाले टाइम में। चलिए अब लाइनों के बारे में हम बात करेंगे, लाइनें इनके बारे में अब क्या शो कर रही हैं। चलिए पहले मैं यहाँ पर भाग्य रेखा के साथ, चलिए पहले लाइफलाइन को चेक करते हैं। लाइफलाइन कुछ ऐसी बनती हुई स्ट्रक्चर आपको दिखेगी, मैं थोड़ा सा जूम इन करूँगा। देखिए लाइफलाइन कुछ ऐसी चलती हुई आपको नज़र आएगी और एक फिश की स्ट्रक्चर बनाती हुई नज़र आ रही है, तो ये भी इंडिकेशंस हैं। मैं आपको पहले एक मैं पहली बात बता रहा हूँ, किसी के हाथ में आकर अगर आपको यहाँ पर ये फिश का सिंबल दिखे और वो लाइफलाइन के साथ यहाँ पर बने, तो ऐसे जातक का जो भाग्य उदय होता है 40 के बाद ही होता है, ये आपको कन्फर्म मानना पड़ेगा, ये 100% है। जब आपका अगर आपके हाथ में फिश का सिंबल बने, वो भी कह सकते हैं कि लाइफलाइन के साथ, तो ऐसे जातक का जो भाग्य उदय होता है वो 42 के बाद ही होता है। लेकिन ये साइन काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हाथ में बनता है और इनके हाथ में बन रहा है, तो उसके बाद चीज़ें इनके लिए अच्छी होनी, जैसे मैंने आपको बताया। और लेकिन थोड़ा सा हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ जो हैं इनको रह सकते हैं। देखिए ये एज में थोड़ा सा जो है लाइन यहाँ पर थोड़ी सी शैलो कहें, हल्की सी मिटती हुई आपको नज़र आएगी, और बाद में जो है लाइनें यहाँ पर अच्छी चलती हुई नज़र आ रही हैं। इस एज में इनको दिक्कत रही होगी, कोई ना कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ रहे होंगे। ये जो एज यहाँ पर बन रही है, स्टार्टिंग एज बन रही है, मतलब जब से इन्होंने जन्म लिया है उसमें तो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ थे, उसके बाद 20 से कह सकते हैं कि 25 तक या फिर 28 तक हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उसके बाद चीज़ें अच्छी हैं। लेकिन उसके बाद भी जो है यहाँ पर आपको यब का साइन बनता हुआ आपको नज़र आएगा, मैं थोड़ा सा जूम करूँगा। देखिए यहाँ पर कुछ लाइन है वो डार्क है, कुछ आइलैंड से बनते हुए नज़र आएंगे आपको हल्के से, देखिए। और जो ये यहाँ पर एज बन रही है, कम से कम 30 के अराउंड बन रही है और 32 के अराउंड बन रही है, तो इसमें कुछ दिक्कतें इनको रही होंगी। और ये भी एज जो बन रही है 40 के अराउंड बन रही है, तो इसमें भी कुछ दिक्कतें, हेल्थ रिलेटेड इशूज़ रहे होंगे। लेकिन एक प्रोग्रेस लाइन में काफ़ी अच्छी बन रही है, देखिए एक प्रोग्रेस लाइन आपको दिखेगी यहाँ पर, ऐसी प्रोग्रेस लाइन दिखेगी आपको, एक लाइन यहाँ पर ये भी है और कुछ प्रोग्रेस लाइनें हैं जो चल रही हैं। देखिए ये जो प्रोग्रेस लाइन बन रही है, कम से कम इसको 30 के एज में मानेंगे, 29, 30 या 28 के एज में मानेंगे, कुछ अच्छा इनके लाइफ में हुआ होगा, या फिर उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी होगी, या फिर घर बनाया होगा, या फिर ऐसा कुछ बड़ा काम किया होगा जो इनके लाइफ को यहाँ पर अच्छा किया है। यहाँ पर इस एज में एक प्रोग्रेस लाइन बन रही है और एक प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर 45 की एज में मानूंगा, 48-49 की एज मानूंगा, इसमें एक प्रोग्रेस लाइन बन रही है, जो ये काफ़ी अच्छी है प्रोग्रेस लाइन, और ये भी इनको फ़ायदा करेगी। और एक प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर 50 की एज में बन रही है, तो कुछ प्रोग्रेस लाइन हैं। अगर हाथ में प्रोग्रेस लाइन बने हैं तो लाइफ में
आने वाले टाइम में चीज़ें अच्छी होती हैं और ऐसा जातक जो है प्रोग्रेस करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मैं थोड़ा सा जो लाइफ अगर प्रेडिक्ट करें तो लाइफ यहाँ पर 100 ईयर्स यहाँ पर पहुँच रही है और जो चीज़ें हैं थोड़ा सा कह सकते हैं कि सपोर्ट ऐसे जातकों को कम मिलता है, क्योंकि देखिए जो लाइन यहाँ पर बन रही है आपको कुछ अंदर की तरफ ज़्यादा मुड़ती हुई नज़र नहीं आएगी, क्योंकि जो कैरियर लाइन है सॉरी यहाँ पर लाइफ लाइन है, अगर ये थोड़ी सी अंदर की तरफ होती तो पारिवारिक सपोर्ट मिलता और परिवार का साथ मिलता, लेकिन जैसे इन्होंने बताया कि पारिवारिक सपोर्ट कम रहेगा तो ये यहाँ पर कमी इनके साथ रहेगी, क्योंकि जो लाइन है वो यहाँ पर सीधी है, कुछ ज़्यादा यहाँ पर स्पेस इसको कम नहीं मतलब अंदर की तरफ नहीं आ रही है। तो ये पूरी प्रेडिक्शन थी और लाइफ जो है इसको 90+ मैं इसको लाइफ मानूंगा, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन हेल्थ इश्यूज इनको रहे होंगे स्टार्टिंग एज में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम कैरियर लाइन को चेक करेंगे। कैरियर लाइन कुछ ऐसी बनती हुई आपको दिखेगी और जो है शनि पर्वत तक जा रही है, तो मैं इसके बारे में पहले ही बात कर चुका हूँ। और इनके हाथ में एक मनी ट्रायंगल काफ़ी अच्छा यहाँ पर बनता हुआ आपको नज़र आएगा। देखिए काफ़ी अच्छा मनी ट्रायंगल बन रहा है और इनके थंब के ऊपर मैंने यव का साइन देखा, तो ये मनी ट्रायंगल बताता है कि पैसे की कमी नहीं है इनको। भले ही अभी कुछ दिक्कतें चल रही हों, लेकिन अगर मनी ट्रायंगल हाथ में बनता है तो ऐसा जातक पैसे को बचाता काफ़ी अच्छी तरह है और काफ़ी ज़्यादा पैसा अर्न भी करता है। लेकिन जैसे इन्होंने बताया कभी भी इनको पैसे की कमी हो तो कहीं ना कहीं तरीके से पैसा इनके पास आ जाता है, तो यहाँ पर देखा जाता है मनी ट्रायंगल के फ़ायदे। और ये जो फ़ायदे हैं ये अभी अब होने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि मनी ट्रायंगल ही आप में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन होता है हाथ में और एक यव का साइन में है, तो पैसे के लेकर यहाँ पर कोई तकलीफ इनको नहीं होने वाली फ्यूचर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है कैरियर लाइन के बारे में बात करते हैं, कैरियर लाइन की कैसी यहाँ पर बन रही है। देखिए कैरियर लाइन है अच्छी है कैरियर लाइन और ये चंद्र पर स्टार्ट हो रही है, तो किसी स्पोर्ट से ही इनको आगे फायदा होगा। और एक आपको डीप कट यहाँ पर मिलेगा, इस एज में काफ़ी ज़्यादा इनको प्रॉब्लम फेस करने को मिली होगी और इनके कैरियर को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डिस्टर्ब किया होगा। जो ये एज बन रही है ये एज यहाँ पर 24 के अराउंड बन रही है, 24-25 के अराउंड बन रही है। उसके बाद एक और लाइन यहाँ पर बन रही है, ये 35 के अराउंड बन रही है, और उसके बाद कुछ लाइनें हैं जो यहाँ पर बन रही है 44 के अराउंड, लेकिन उसके बाद जो है कह रहे हैं यहाँ पर ठीक है। ये जो मेजर इश्यूज रहे होंगे इनको तो यहाँ पर हैं, लेकिन और यहाँ पर कोई मेजर इशू नहीं लग रहा है। तो भाग्य उदय जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कह दिया था, 42 के बाद यहाँ पर होना स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद जो चीज़ें इनके लिए अच्छी होना स्टार्ट हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इनकी माइंड लाइन को चेक करते हैं। माइंड लाइन कुछ ऐसे आपको बनती हुई नजर आएगी और थोड़ी सी कह सकते हैं कि नीचे तरफ शिफ्ट होती हुई नजर आएगी, थोड़ी सी नीचे की तरफ। तो ऐसा जातक जो होता है थोड़ा सा सोचता समझता ज़्यादा है, कह सकते हैं कि सोच विचार काफ़ी ज़्यादा ऐसे जातक के नेचर में रहता है, मतलब गहरी सोच में कभी कभी पड़ जाता है ऐसा जातक, तो उसकी वजह से थोड़ा सा नुकसान ऐसे जातक को हो जाता है। लेकिन आपको कुछ ज़्यादा नीचे की तरफ यहाँ पर लाइनें नहीं है, और तो ऐसा जातक अगर राइटिंग फील्ड में जाए कुछ लेखक वगैरह बनना चाहे, अगर ऐसी उम्मीद है तो ऐसा अगर प्रोफेशन काम करे तो उसमें भी तरक्की पाता है, क्योंकि ऐसे जातक की जो सोच होती है काफ़ी डीप होती है, डीप सोचने वाला होता है। तो यहाँ पर माइंड लाइन में कोई दिक्कत मुझे नज़र नहीं आ रही है, लेकिन जो ये डिक्लाइन आपको दिखेगा अभी जो इस एज में ठीक था, लेकिन कह सकते हैं कि जब यहाँ पर 45 की एज यहाँ पर क्रॉस करेंगे तो लाइफ और यहाँ पर सोचने समझने वाली हो जाएगी, थोड़ा सा और डीप यहाँ पर स्टार्टिंग सोचना स्टार्ट करेंगे। तो ये लाइन ऐसी शिफ्ट होती हुई मुझे नज़र आ रही है। आगे अगर हार्ट लाइन की बात करें, हार्ट लाइन आपको काफ़ी ज़्यादा डीप दिखेगी, तो ये जो हार्ट लाइन है इतनी ज़्यादा डीप होती है तो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने के आसार होते हैं जातक को। हाई ब्लड प्रेशर हो गया या फिर हार्ट से रिलेटेड कुछ दिक्कतें, छाती से रिलेटेड कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा डीप लाइन इसी बात को इंडिकेशन यहाँ पर करती हैं। जो हार्ट लाइन है इनकी यहाँ पर ऐसी बनती हुई नज़र आ रही है, कुछ ज़्यादा यहाँ पर इमोशनल नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है। जो इनके हाथ में स्ट्रगल का मेन कारण है वो यहाँ पर बनता हुआ यब का यहाँ पर कर्डल ऑफ वीनस है, पूरा प्रॉपर यहाँ पर कर्डल ऑफ वीनस बनता हुआ नज़र आ रहा है।
और जो ये कड़ल ऑफ विनस है शनि को और सूर्य को यहाँ पर एक साथ कर देता है और उसके साथ जो है लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल रहता है। मैंने काफ़ी हाथ में मैंने आपको बताया है, जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, कि जिसके हाथ में कड़ल ऑफ विनस बनता है स्टार्टिंग के 40 ईयर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल भरे होते हैं, लेकिन ये कड़ल ऑफ विनस तरक्की भी करता है। जब चीज़ें एक्सपीरियंस कर लेता है, जा तक सब कुछ सीख लेता है जा तक, तो उसके बाद जो है चीज़ें अच्छी होनी स्टार्ट हो जाती हैं उसकी। तो ये भी एक इंडिकेशन है कि जो भाग्य उदय होता है वो 40 के बाद ही होना स्टार्ट हो जाता है। तो इनके हाथ में नेगेटिव साइन भी हैं, पॉजिटिव साइन भी हैं। पॉजिटिव साइन मैंने देख लें जो यहाँ पर 45 के बाद ही असर देना स्टार्ट करेंगे। तो ये पूरी प्रेडिक्शन थी, आपको कैसी लगी वीडियो आप शेयर जरूर करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर दें। थैंक यू वेरी मच।